नमस्कार। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल समिट बुधवार को काफी अहम मुद्दों पर बातचीत और उन पर आम सहमति के साथ संपन्न हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट का नेतृत्व करते हुए साफगोई के साथ दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने दुनिया के देशों से कहा कि वे डेवलपमेंट के मुद्दे पर एकजुट हो जाएं और संघर्ष के मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। इस वर्चुअल समिट में सभी 21 देशों ने भाग लिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के सफल संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। G20 नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ती असुरक्षा और अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसराइल हमास के संघर्ष को क्षेत्रीय संकट में बदलने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में कहा कि सभी बंधकों की जल्दी ही रिहाई हो। इसराइल का अनुमान है कि हमास की कैद में लगभग 236 बंधक हैं। कनाडा मसले पर भी इस समिट में एक जरूरी कदम उठाया गया, जहां भारत ने दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने पर वीजा जारी करने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। वहीं कल वापस से ई वीजा सेवाओं को शुरू करने की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, जहां कनाडा ने भी भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। इसी के साथ इस सम्मेलन में दुनिया में तेजी से बढ़ रही समस्या यानी डीप फेक के मुद्दे के बारे में भी बात की गई। मोदी ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल तरीके के उपयोग में लाने की जरूरत। पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है। मोदी ने दुनिया भर के देशों से कहा कि समस्या पर सभी को मिलकर सोचने और हल निकालने की जरूरत है। इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में अगले महीने यानी दिसंबर में ग्लोबल AI पार्टनरशिप समिट आयोजित किया जाएगा, जहां इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत करके हल निकालने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा इस सम्मेलन में G20 विद ट्रैक से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 5 मुख्य एजेंडा बिंदुओं में से हर एक को दोहराया गया, जिस पर साल भर में चर्चा हुई थी। MDB सुधार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, क्रिप्टोकरेंसी, जलवायु परिवर्तन के लिए रोडमैप बनाने पर भी चर्चा हुई। इस तरह भारत ने इस सम्मेलन में अपनी मजबूत स्थिति को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।